चलो देखो हम लोग आज ना बायोलॉजी शुरू करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी से बाबू बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और पुलिस में हो, चाहे तुम्हारा जीडी हो, एसएससी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से सबसे अधिक क्वेश्चन बाबू बायो से बनता है। तो हम आज बायो तुमको पढ़ा देते हैं। देखो पढ़ाएंगे नहीं, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज तो 22 तारीख से पढ़ाएंगे। अभी तुम्हारे जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं, हो सकता है बाबू कुछ भी पूछ सकता है, तो हम तुमको इस टाइम में क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आज कोई चीज टॉपिक उठाता हूँ उसको खत्म कर देता हूँ, कल कोई और उठाऊंगा उसको भी खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो 4-5 क्लास बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, 1-2 क्लास फिजिक्स पढ़ा दूंगा, 1-2 क्लास केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। तो साइंस बाबू कम से कम ये तो आइडिया रहेगा कि बन सकता है नहीं बन सकता है। देखो बाबू पहले देखो पाचन तंत्र, ये सब एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं बाबू? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है बाबू। यानी देखो ये तुम्हारे कहाँ से शुरू होता है, ये बाबू दो भागों में बंटे होते हैं। पहले देखो आहार नल, क्या बाबू? आहार नल, आहार नल। दूसरा बाबू क्या होते हैं तुम्हारे? लार ग्रंथि। क्या होते हैं बाबू? लार ग्रंथि होते हैं तुम्हारे। ये दो भागों में बंटे होते हैं। आहार लाल नाल की जो लंबाई होती है बाबू, ये आपका 9 मीटर होता है, ठीक है। बोलेंगे बाबू 33 फीट, इतना बाबू 33 फीट होता है। क्योंकि लाल ग्रंथियां जो बाबू आपकी होती हैं, वो आपका क्या है, जो लाल ग्रंथि बाबू होते हैं वो आपके बहुत सारे होते हैं, जिसमें पैरोटिड है। पैरोटिड जो कान के पास होती है, पैरोटिड बाबू कहाँ होती है? कान के पास। और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड है। ये बाबू कान के पास होती है और ये सांप में बाबू जाड़ का काम करता है, ठीक है ना। पैरोटिड ग्रंथि ग्लाइसोसोम बोलते हैं बाबू। फिर देखो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, टाइलिड, टाइलिड, म्यूकस, समझे कि नहीं। ये सब थोड़ा इंपोर्टेंट बाबू चीज है जो हमारे लाल ग्रंथि में भाग लेते हैं। इस लाल ग्रंथि में वो पैरोटिड बाबू क्या करता है, कान के पास होते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, ये सांप बाबू जाल का काम करता है। लाइसोसोम बाबू क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं ना, जो खाना खाते हो तो उस खाने में जो बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थ जो आपके मुंह में चले जाते हैं उसको बाबू मारने का काम लाइसोसोम करता है। और जो बच जाता है वो पेट में मर जाता है, समझे कि नहीं। फिर बाबू हो गया तुम्हारा टाइलिन, क्या हो गया? टाइलिन। टाइलिन बाबू क्या करता है ना, वो बासा को पचाने का काम शुरू करता है। जैसे आप मुंह में कोई चीज लेते हो तो बाबू, जैसे ही जैसे चावल खाए या ग्लूकोज पिए, ग्लूकोंडी पीते ना बाबू, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए बाबू ग्लूकोंडी पीते ही तुम्हारा क्या होता है ना कि पाचन शुरू हो जाता है, मुंह से ही हो जाता है। क्योंकि बाबू प्रोटीन खाओगे या तुम बाबू वसा खाओगे तो उसका पाचन बहुत लास्ट में होता है, जिस कारण से तुमको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिल पाएगा। इसलिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और या ग्लूकोंडी खाते हैं, ये पीते हैं बाबू जो भी। तो देखो बाबू ये हो गया म्यूकस। टाइलिन बाबू क्या करता है, ये बाबू प्रारंभिक रूप से भोजन को पचाने का काम करता है टाइलिन, ठीक है बाबू। जबकि म्यूकस बाबू क्या करता है ना, म्यूकस तुम्हारा बाबू चिपचिपा करता है भोजन को। जैसे बाबू भोजन खाते हैं तो निकलता है, जैसे बाबू भात खाते हो या दाल खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो थोड़ा देर के बाद देखते हो बाबू कुछ कुछ देते हैं, जब बाबू कुछ गिट्टी फंस जाता है ऐसे तो बाबू फेंकते रहता है, पूरा इसमें करते रहता है, चिपचिप करते रहता है। ये अलग बात है कोई मिठाई उठा लेता है तो फिर उसको खा लेते, दोबारा खा लेते हैं, ये अलग बात है। जैसे मिठाई खाए कक्कर उक्कर है, इसको निकाल लेते हैं फिर खा लेते हैं मिठाई को बाबू। देखो बाबू ये बाबू म्यूकस बाबू क्या करता है, भोजन को चिपचिपा करता है। क्या करता है बाबू? चिपचिपा। देखो बाबू पहला काम तुम्हारा क्या हो गया, पैरोटिड बाबू क्या होते हैं, हमारे कान के पास होते हैं, ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है, ये जहर का काम करती है सांपों में। तो देखिए लाइसोसोम बाबू क्या करते हैं, हमारे भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को जीवाणुओं को मारने का काम करती है। टाइलिन बाबू क्या करते हैं, ये तुम्हारा प्रारंभिक रूप से कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करती है। जबकि म्यूकस क्या करती है, भोजन को चिपचिपा बनाती है, ठीक है बाबू। समझ में आ गया बाबू, तुम्हारा ये हो गया खत्म, इधर वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मेरे भाई सवाल ये उठता है कि आहार नल के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसका एक श्रृंखला चलता है। तो हमारे आहार नल बाबू कौन कौन होते हैं जानते हो? भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, जिसको बाबू बोलते हैं मुख। क्या बोलेंगे? मुख। मुख को मुख में दांत भी पढ़ना पड़ता है, जीभ भी पढ़ना पड़ता है, जो हम तुमको पढ़ाएंगे नहीं, दांत और जीभ। अब दांत का फॉर्मूला बाबू होता है किस तरह से होता है, एडल्ट में होता है 21-02 बाबू, तुम्हारा
बच्चों में होता है, जैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है जी बाबू, तुम्हारा पांच भाग होते हैं जीव में, ये सब चीज तुम्हारा नहीं पढ़ने हैं। आगे लगा के बाबू छह भाग हो जाता है जीव के, तो मुख हो गया बाबू, मुख के बाद में होता है फूड पाइप, क्या होता है बाबू फूड पाइप, फूड पाइप देखो एक दिन एक खत्म कर देना है फूड पाइप, देखो फूड पाइप जैसे नीचे आते हैं तो बड़ा अस्टोमक शुरू हो जाता है, अस्टोमक जिसको बाबू पेट बोलते हैं या उदर बोलते हैं बाबू, बालोजी बाबू उधर बोलते हैं उसको। फिर देखो स्टोमेक के बाद तुम्हारा बाबू क्या होता है, स्टोमेक के बाद उसकी बारी आती है, ये बाबू आती है छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जिसका इंग्लिश तुमको आता है, इंग्लिश में तुम पूछा इंग्लिश में बता दूंगा, छोटी आंत, छोटी आंत बाबू हो गया। एक तुम्हारा होता है बाबू बड़ी आंत, ठीक है बाबू बड़ी आंत। एक तुम्हारा होता है बाबू इसमें बड़ी आंत के बाद खराश दे रेक्टम से बाहर आता है, रेक्टम, ठीक है बाबू क्या होता है रेक्टम, ठीक है। ये अलग बात है, सबके अलग अलग प्रकार है, टाइप है, तुमको सब पढ़ाए जाएंगे, ये अलग बात है। तो बाबू मेरे कहने का मतलब है, देखो हमारे आहार नाल यानी जहाँ खड़ा शुरू होता है और जहाँ से बाबू निकल जाता है वहां तक की लंबाई बाबू कितना है, 9 मीटर, कितना है बाबू 9 मीटर है, फीट में बोलेंगे तो बाबू 33 फीट आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। हमारा भोजन कहा शुरू होता है, मुख से, कहा शुरू होता है बाबू मुख से, ये नहीं समझे खाना खाली पेटे में बसता है, मुख से ही बाबू शुरू हो जाता है तुम्हारा। तो मुख में बाबू क्या है, दांत, और क्या है बाबू जीव। तो देखो दांत जो तुम्हारे होते हैं ना वो चार प्रकार के होते हैं, तो बाबू एक फॉर्मूला बनता है 21-23 बनता है शायद, समझे कि नहीं, 21-23 यानी देखो बाबू जो ऊपर के दांत है ना, तो ऊपर में देखो बाबू दो को तुम्हारा क्या है, चार तुम्हारा बाबू, इसको ऊपर नीचे जोड़ के गुणा करेंगे तो देखो बाबू दो से फिर गुणा कर दो तो 21-23 बाबू बनता है ऐसे ही। तो देखो इसे क्या होता है ना, तुम देख जानते हो दो केनाइन होता है, चार को तुम्हारा इंसीजन होता है, काटने वाले दांत होते हैं, दो को फाड़ने वाले दांत होते हैं, दो को बाबू तो प्री मोलर हो जाते हैं, जैसे देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, चार हुआ ना, तो देखो दो बाबू ऊपर हुआ, एक ही केनाइन में बाबू ऊपर में है फाड़ने वाला दांत, एक इधर एक इधर है, तो बाबू हम एक साइड का ऐसे ऐसे मुंह नाप के ले रहे हैं, यानी एक साइड का हुआ नाप रहे हैं ऐसे, तो दूसरे गुना कर देंगे तो ऊपर ऊपर वाला दांत हो जाएगा। देखो जो दांत तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक है वही दांत तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक है, समझे कि नहीं, 20 से बाबू सेम टू सेम दांत है दोनों ओर। तो एक अकलचो होता है जिसको विजडम टीट बोलते हैं, ये बाबू हमारा एक अवशेषी अंग है जो कोई काम का नहीं है, ये तो कितना का अकल नहीं बोलते, अकल दांत निकल रहा है तो आप बहुत पेन करते रहता है, तो ये जो दांत तुम्हारे होते हैं ना वो कोई काम के नहीं होते हैं। अरे अभी भी खाना खाइए रहे हैं, वो हुआ तो भी खा रहे थे, नहीं हुआ तो भी खा रहे थे, इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है, है कि नहीं। इसी जिसका बाबू के यूज नहीं हमारे शरीर में उसी को अवशेषी अंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, अवशेषी अंग, बिना काम का अंग, ठीक है बाबू। तो आप देखो बाबू ये तुम्हारा हो गया रेक्टम, क्या हो गया बाबू रेक्टम। आप देखो ये यहाँ से भोजन शुरू होता है बाबू दांत से, तो दांत बाबू 21-23 हो गया, जीभ में तुम्हारा बाबू 5 भाग होते हैं। अब ये जीभ तुम्हारा होता है ना, देखो मेरे भाई ये जैसे बाबू जीभ है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा बाबू जीभ, तो जीभ जो बाबू होते हैं ना, थोड़ा देख लेते हैं बाबू, क्या थोड़ा देख लेते हैं, तो बाबू देखो जीभ है तुम्हारा, तो जीभ जो बाबू होते हैं ना ये मांसपेशी से बने होते हैं, इसमें हड्डी वड्डी नहीं होता है, कि जो जीभ जाते वो किसी हड्डी में जुड़ा हुआ है, इस हड्डी को बोलते हैं बाबू हायोड हड्डी, क्या बोलते हैं बाबू हायोड। अरे हमारा जीभ जहाँ फंसा हुआ है ना वहाँ हायोड से जुड़ा हुआ हड्डी है, इधर हम जीभ खींच लेंगे तो जीभ कैसे खींच लोगे, हड्डी में फंसा हुआ है कैसे खींच लोगे, है कि नहीं। तो बाबू जीभ जो हमारा फंसा हुआ है कहाँ फंसे होते हैं बाबू, हायोड में, कहाँ फंसे होते हैं बाबू हायोड हड्डी में फंसे होते हैं। इसकी लंबाई बाबू 10 सेंटीमीटर होते हैं, लंबाई बाबू कितने होते हैं इसके 10 सेंटीमीटर, लंबाई बाबू कितने होते हैं 10 सेंटीमीटर होते हैं। देखो बाबू ये होता है अपेक्स, इसको क्या बोलते हैं बाबू अग्रभाग या अपेक्स बोलते हैं। ये देखो आगे वाला है अग्र पार्श्व, ये बाबू पश्च पार्श्व है कि नहीं है। फिर देखो बाबू ये फिर हो जाएगा अग्र पार्श्व, पश्च पार्श्व हो जाएगा बाबू, देखो दोनों साइड से चार चीज ज्यादा होगा तुम्हारे चीज हो जाएंगे। तो देखो बाबू ये तुम्हारा हो गया, ये बाबू तुम्हारा होता है पश्च भाग, क्या होता है बाबू पश्च भाग, तो पश्च भाग यानी पीछे वाले भाग है बाबू जीभ के तुम्हारे, तो पीछे वाले भाग हुआ किसको बताता है, काला वाले भाग को बताता है, ठीक है बाबू ठीक है। आगे वाले भाग हुआ किसको बताता है, मीठे, किसका बाबू मीठा, यानी जीभ का तुम्हारा ये वाला भाग है ना वो मीठे को बताएगा, जबकि बाबू पीछे वाला गर्दन के, देखो तीखा कहाँ लगता है तुम्हारा, गर्दन में लगता रहता है, यानी बाबू तीखा को पकड़ने वाला दो जो तुम्हारा जीभ का हुआ जो ग्रंथि है, जो ग्रंथि काम करते हैं वो बाबू ये पीछे होते हैं करवा पकड़ने वाले, जितना भोजन खाते हो ना तो देखते हो करवा कहाँ लगता है तुम्हारे, यहाँ पीछे लगता है, यहाँ पे लगता रहता है, तो बाप रे बाप बढ़ गई हो, नहीं बाबू फील होता है ऐसे। तो बाबू ये तुम्हारा हो गया नमकीन, क्या हो गया नमकीन को बताता है बाबू,
तो ये नमकीन तो बाबू ये भी नमकीन ठीक है ना। आइए तुम्हारा बाबू किसको बनाते हैं, खट्टा को बनाता है सावर, किसको बाबू खट्टा को बनाता है, समझे कि नहीं। तो ये बाबू हमारा जीभ का काम है, ये भी खट्टा, नमकीन नमकीन मीठा। ये बाबू तुम्हारा हो गया कड़वा, और बाबू को टेस्ट होता है क्या तीखा, मैंने कड़वा मैंने तीखी होता बाबू। तो अब ये तुम्हारा सब भोजन का क्या है पार्ट है, ये तुम्हारा बाबू जीभ का इतना काम है, समझे कि नहीं। बीच वाले भाग बहुत टेस्टलेस होते हैं, इसको बोलते हैं नो टेस्ट जोन। क्या बोलते हैं बाबू, नो टेस्ट जोन बोलते हैं। आया बात समझ में, ये समझ में आ गया तुम्हारे जीभ में। जीभ के आगे वाला भाग मीठा बनाता है, पर्स वाला भाग बाबू नमकीन, ये अगर पर्स पासर बाबू, पासर का मतलब होता है बगल वाला, पासर का मतलब बाबू क्या होता है बगल, पासर का मतलब बाबू क्या होता है बगल होता है। तो पासर जो वाले भागे होते हैं बाबू किसको बताते हैं आपके नमकीन के बताते हैं, जबकि बाबू पासर ये तुम्हारे बाबू किसको बताते हैं खट्टा को बताते हैं। तो बाबू जीभ तुम्हारा खत्म हो गया, मुंह बाबू खत्म कर दिया। देखो इतना ही क्वेश्चन तुम्हारे पूछने हैं, बारीकी से देखो बाबू तुम्हारे याद हो जाएंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। बायोलॉजी और फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल बाबू होते हैं, केमिस्ट्री बाबू थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें रिएक्शन वोशन करवाना पड़ता है, समझे कि नहीं। अब बाबू साइंटिस्ट का चीज है, हालांकि बाबू पढ़ो केमिस्ट्री भी समझ में आएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, वीडियो में देख लेना। फूड पाइप, अब किसकी बारी है बाबू फूड पाइप। तो बाबू भोजन जो तुम्हारे होते हैं ना ऐसे तुम्हारे फूड पाइप बना देते हैं। तो देखो बाबू ये तुम्हारा हो गया ऐसे, देखो ये मुख हो गया बाबू, तो मुख में बाबू क्या पढ़े हम लोग दांत और जीभ पढ़ लिए। अब देखो ऐसे बाबू फूड पाइप होते हैं, क्या होते हैं बाबू फूड पाइप, क्या होते हैं बाबू फूड पाइप। इसकी लंबाई शायद 9 सेंटीमीटर के आसपास में, 10 सेंटीमीटर के आसपास में होती है, ठीक है। कितना होता है बाबू लंबाई 10 सेंटीमीटर के। अरे वो फाउंडेशन में पढ़ाएंगे, इसमें 3 भाग होते हैं, ये अलग बात है। अभी तुमको बस परीक्षा के हिसाब से तुमको पढ़ाए जा रहे हैं, इतना डीप में बाबू नहीं चलना है, फ्रेंडली तुम्हारे हर चीज को खत्म भी करना है इसको। देखो बाबू ये तुम्हारा हो गया फूड पाइप, क्या हो गया बाबू फूड पाइप। तो बाबू फूड पाइप क्या होता है ना, जैसे ही बाबू खाना खाते हैं, जैसे ही हम बाबू खाना खाते तो मुंह में बाबू कुछते ऐसे ऐसे बाबू कुछ देते हैं, नहीं कुछते बाबू, जैसे ही कुछते ना बाबू भोजन टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। भोजन बाबू क्या हो जाता है टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है भोजन को बाबू, इस टुकड़े को भोजन को क्या कहते हैं बोलस, क्या बोलते हैं बाबू बोलस, बोकस नहीं बोलस, बोलस ये बोलते हैं बाबू बोलस कहते हैं, क्या बोलते हैं बाबू बोलस। जैसे बाबू भोजन का टुकड़ा हो जाता है, जैसे मुंह में डालते हैं भोजन बाबू कुछ आ गया तो बन गया बाबू, खाना नहीं बोलेंगे उसको, आप बोलेंगे बोलस, क्या बोलेंगे बोलस। तो बोलस बाबू फूड पाइप पे यही काम है ना, बस जरिया है कहाँ जाने का पेट में जाने का, कहाँ जाता है बाबू तुम्हारा पेट में जाता है। तो ये बोलस बाबू तुम्हारा कहाँ गया पेट में, कहाँ गया बाबू ये पेट में गया। तो देखो ये फूड पाइप बाबू पेट में काम करता है, लेकिन बाबू जब खाना खाते हो तो क्या जब भोजन तुम्हारे पेट में गिरते हैं तो ढप ढप का आवाज करता है, जैसे मिठाई खाए ढम, मतलब भात खाए ढम, पानी पिए डर डर डर, जैसे टंकी में पानी गिरता है ढप ढप आवाज करता है। तो बाबू ऐसे काम नहीं होते हैं, ये बात तुम्हें समझते हो, यानी बाबू खाना कैसे जाता है, तो खाना जाता है बाबू रसे रसे, कैसे जाता है रसे रसे, देन गोइंग स्लोली स्लोली इज कॉल्ड प्रिस्टाल्टिक, क्या कहते हैं बाबू प्रिस्टाल्टिक। यानी जो बाबू फूड पाइप में होते हैं ना जो भोजन जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बाबू प्रिस्टाल्टिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं बाबू प्रिस्टाल्टिक, हिंदी में बोलते हैं कर्मानुकूचन, क्या बोलते हैं बाबू कर्मानुकूचन। ये समझ में नहीं आया बाबू, देखो इस फूड पाइप में बाबू खाना जाता है ना ऐसे जाता है, जैसे देखो कोई चीज थोड़ा क्रीम व्रीम लगाते हो तो लगाता होगा ये मैन फेयर हैंडसम, जब बाबू खत्म हो जाता है ना खत्म हो जाता है तो ऐसे टालते रहता है, ऐसे निकल जाते रे निकल थोड़ा सा मिल जाए के बाहर निकल, ऐसे बाबू पूरा दम लगा के निकाल देता है पूरा बाहर, तब बाबू इसे लगाते नहीं लगाता है। तो रस्ते में देखो यहाँ वाला यहाँ गया पहुँचाया थोड़ा सा, फिर यहाँ पहुँचाया फिर यहाँ पहुँचाया, जैसे बाबू कोलगेट के पेस्ट में भी ऐसे ही करते हो रस्ते रस्ते बाबू निकालते हैं, तो जब रस्ते रस्ते निकलता है ना उसी रस्ते रस्ते को ही हम लोग बाबू क्या करते हैं प्रिस्टाल्टिक प्रोसेस करते हैं। तो फूड पाइप का वो काम यही है कि भोजन को रस्ते रस्ते आगे पहुंचा देना, ठीक है ना बाबू। और ये बाबू कहाँ जुड़े होते हैं तुम्हारे पेट में जुड़े होते हैं, अब खाना कहाँ गया पेट में, अब पेट में से ही खाना नहीं लगता है तो भूख लगा देंगे हम। देखो बाबू अब इस पेट में बाबू क्या होते हैं, ये तुम्हारा बाबू पेट है, मान लेते बाबू वो डायग्राम थोड़ा वो हमें वीक है, CBSE स्कूल में नहीं पढ़े लोग तो डायग्राम भी अच्छा रहता, बिहार बोर्ड के छात्र रहे बाबू, ठीक है बाबू। ये तुम्हारा बाबू हो गया पेट, तो अब पेट में ना जो पेट जो तुम्हारा होता है ना वो 3 भाग के होते हैं, पेट में कितने भाग है 3 भाग, पेट में कितने भाग 3 भाग। इस पेट के आगे वाले भाग को बोलते हैं बाबू कार्डियक,
क्या बोलते हैं कार्डियक, इसको बोलते हैं बाबू फंडिक, क्या बोलते हैं फंडिक, इसको बोलते हैं बाबू क्या तुम्हारा पाइलोरिक, क्या बोलते हैं बाबू पाइलोरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू इसको पाइलोरिक बोलते हैं। तो ये बाबू हो गया कार्डियक, ये हो गया तुम्हारा फंडिक, ये हो गया तुम्हारा पाइलोरिक, ये पेट के तुम्हारे तीन भाग होते हैं। और कार्डियक में बाबू क्या होता है ना एससीएल पाए जाते हैं, क्या होते हैं बाबू एससीएल, क्या होते हैं बाबू एससीएल। ये एससीएल बाबू तुम्हारे देखो जो खाना खाते हो और जो लाइसोसोम से जो बैक्टीरिया कीटाणु जीवाणु नहीं मरे हैं वो बाबू लाइसोसोम क्या करते थे बाबू, ये लाइसोसोम सब जितना भी यहाँ आया सारे कीड़े मकोड़े जितना बैक्टीरिया जीवाणु सब बाबू यहाँ मर जाता है। तो बोलता सारी बीमारी फिर क्यों हो जाता है, तो बीमारी बाबू पेट का बहुत कम होता है, ज्यादातर बीमारी जो तुम्हारे होते हैं ना वो हवा से होते हैं, फेफड़ा में चला जाता है, फेफड़ा में कोई एससीएल नहीं पाए जाते हैं, आवाज समझ में। तो पेट में बाबू एससीएल तो अपना काम कर दिया, तो देखो एससीएल तो एससीएल आप जानते हो बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेट में कौन सा एसिड पाए जाते हैं, तो आप विश्वास नहीं है 2012 का पेपर देख लो, क्योंकि हम ही दिए थे इस पेपर को, है ना। एससीएल हो गया ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग बाबू कहां पाए जाते हैं, तुम्हारे पेट में पाए जाते हैं। इसका बाबू काम क्या है, ये भोजन को बाबू क्या करता है, एक इसको क्या बोलते हो शोक कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक की तरह काम करता है, कैसे काम करता है बाबू उत्प्रेरक का, ये बाबू भोजन को पकड़ के इसमें मिल जाता है पूरा। देखते हो बाबू ये इसका पीएच मान बाबू क्या होता है, बहुत कड़वा होता है, जब बाबू नाक से निकलता है ना कभी कभी डकार पड़ जाता है तो नाक उक लहड़ने लगता है, इसका मतलब ये बहुत खतरनाक है, कभी कभी थोड़ा उल्टी उल्टी ट्रेन बस में हो जाता है, देखता है बाबू बहुत खट्टा खट्टा लगता रहता है, फील होते रहता है, क्यों होते रहता है, यानी बाबू ये तुम्हारा क्या है, ये बाबू तुम्हारा नाम है बाबू एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल का मतलब बाबू क्या होता है, जो सात से बाबू क्या हो कम, जो सात से बाबू क्या हो कम, जितना कम होगा उतना ही हार्ड होगा। तो इसका जो पीएच मान होता है ना ये बाबू बहुत तगड़ा होता है, पीएच का मतलब बाबू होता है, इसका खोज बाबू पीएच वैल्यू का खोज सोरेनसन ने किया था, और इसका बाबू फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन नामक व्यक्ति ने किया था। ये बाबू ये चीज को बताता है कुछ खट्टा है कि मीठ कड़वा या क्षारीय अम्ल है कि क्षारीय, ठीक है बाबू। सात क्लास में अलग बात है, ये फॉर्मूला बनाता है इसमें क्या बाबू, जिस स्वाद में खट्टा है अम्लीय कहलाता है, जो कड़वा क्षारीय है कड़वा है उसको बाबू क्षारीय कहते हैं, लेकिन 10 क्लास में बाबू वैल्यू चेंज हो जाता है कि नहीं बाबू। जब बाबू पीएच वैल्यू बाबू देखो पीएच वैल्यू इसका हुआ कितना है 1.5 से लेकर 1.8 तक होता है बाबू इसका। जो हमारे बाबू एससीएल होते हैं इसका पीएच वैल्यू कितना होते हैं 1.5 से लेकर 1.8 तक होते हैं। आया मेरे भाई बात समझ में, आप देखो बाबू क्या कहता है ना कि देखो ये तो तुम्हारा समझ में आ गया, इसका काम बाबू क्या है, ये बाबू भोजन को तुम्हारा क्या किया यहाँ पे बाबू लग के ये नहीं रहता, तुम्हारे बाबू जो प्रोटीन वोटीन खाते हो ना वो पचबे नहीं करता, तो बाबू उत्प्रेरक की तरह काम करता है। अब बाबू भोजन यहाँ पे काम होने के बाद तो बाबू ये तुम्हारा बोले सर जी आप तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा सर जी, जब इतना जहरीला है इतना देखो एसिड किसी के मुंह पे बाबू मार देता है इसे तो मुंह जल जाता है, फिर भी देखता होगा इसलिए बाबू बैन कर दिया है कि नहीं है। लेकिन बाबू जब इतना ये खतरनाक है 1.5 1.8 इसका वैल्यू है, जब ये इतना ही खतरनाक है तो सर जी पेट में तो जल जाता, पेट क्यों नहीं जलता है, तो पेट के बाबू यहाँ पे एक परत लगी होती है जिसको बोलते हैं मुकोसा, क्या बोलते हैं बाबू मुकोसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू मुकोसा बोलते हैं, तो मुकोसा ही बाबू पेट को जलने से क्या करता है बचाने का काम करता है। आया बात समझ में, समझे कि नहीं। आप भोजन बाबू कहा जाएगा तुम्हारा फंडिक वाले पार्ट में जाएंगे, कहा जाएंगे बाबू फंडिक वाले पार्ट में जाएंगे, और फंडिक में बाबू क्या होते हैं रुझी, क्या होते हैं बाबू रुझी होते हैं, फंडिक में बाबू क्या होते हैं रुझी होते हैं, फंडिक में बाबू क्या होते हैं रुझी, फंडिक में क्या होते हैं रुझी। तो रुझी क्या करता है, रुझी क्या करता है बाबू भोजन को पकड़ के रखने का काम करता है, भोजन को पकड़ के रखने का काम करता है। जैसे वो खाना खाया तो सीधे बाबू निकल जाएगा पेट से, तुरंत तुरंत भूख लगेगा, समझे के लिए राक्षस हो जाएगा फिर। तो बाबू देखो क्या करता है, रुझी बाबू क्या करता है भोजन को बाबू पकड़ के रखता है। अरे बाबू भोजन देखो यहाँ से आया फिर यहाँ पे फंसा, फिर यहाँ से धीरे आएगा, धीरे धीरे बाबू आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है ना बाबू। यही रुझी बाबू क्या करता है भोजन को पकड़ के रखता है, और भूख लगने पर चुभता है, बड़ी भूख से दर्द करता है, मुलच के रहोगे बाबू नहीं कहते ऐसे घर पर, बड़ी भूख लग गया है मम्मी कुछ वो खा ला है मैगी बना लेते हैं, मैगी खाएगा मैगी खाने का मन तो नहीं हो रहा है, कुछ हड्डी उड्डी है तो व्यवस्था करो, हाँ बड़ी तेज भूख लगा हुआ है। तो बाबू देखो ये रुचि तुम्हारा क्या करता है, वही बाबू भूख लगने पे क्या करते हैं तुम्हारे, भूख लगने पे बाबू क्या करते हैं, भूख लगने पे बाबू क्या करते हैं ये चुभने का काम करता है, ताकि तुमको एहसास करवाता है कि तुमको भूख लग चुका है।
आया बात समझ में? इसका तीसरा काव्य बाबू हड्डी वाले पार्ट में यही त्रयी काव्य है, इसमें रुचि पाए जाते हैं और तुम्हारे ये क्या करते हैं भोजन को पकड़ता है और पकड़ने के बाद जब छोड़ता है तो बाबू चुभने का काम करता है, ये तुम्हारा रुचि का काम है। आप लोग को मेरे भाई क्या बात होता है, ये होता है बाबू पाइलोरिक, ये बाबू पेट का कौन सा भाग है, पाइलोरिक वाले पार्ट्स है। इसमें बाबू क्या होते हैं ना, पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं। तो रेनिन पेप्सिन बाबू नहीं था यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बाबू प्रो रेनिन था, प्रो पेप्सिन था, पहले बाबू एक्टिव नहीं था, क्योंकि बाबू इस वाले पार्ट में पाइलोरिक वाले पार्ट में जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू, जठर ग्रंथि, क्या पाए जाते हैं बाबू, जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। अब इसका काम बाबू क्या है, ये बात जानना जरूरी हो जाता है। अब देखो बाबू जब एसीएल तुम्हारे आते हैं तो बाबू उसे सोया रहता है, तो प्रोटीन का पाचन अभी हुआ है, अभी बाबू कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हुआ है, पूर्णता पाचन नहीं हुआ है, बस मुंह में बाबू पचना शुरू हुआ है ये। लेकिन प्रोटीन का बात मैं कहा हूं, अभी क्या वसा का बात बोला हूं मैं, यानी वसा वसा बाबू अभी नहीं पचा है, ये कहां पचता है, यही बात जानना क्या है मेरे भाई जरूरी है। आप देखो तो बाबू ये नीचे वाले पार्ट्स में जो पेट के नीचे वाले भाग होते हैं ना, वहाँ बाबू क्या पाए जाते हैं, जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू, जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। और इस जठर ग्रंथि से बाबू क्या निकलता है, प्रोरेडिड प्रोपेप्सिन निकलते हैं, प्रोरेडिड प्रोपेप्सिन निकलते हैं। और बाबू ये क्या काम करते हैं, आप देखो जब बाबू एसीएल आते हैं ना, एसीएल आते हैं तो प्रोरेडिड और प्रोपेप्सिन सुता रहता है, सोया रहता है, तो बोलते हैं रे सुतले हैं, प्रोटीन जा रहा है, ऐसे बाबू जागता है, एससीएल उसको मारता है, थपड़े थपड़े मारता है, जागो जागो प्रोटीन भाग रहा है, और बासा वसा तो भाग रहा है, कैसे पचाएगा उसको, तुरंत बाबू पकड़ लेता है, भन्ने जगा दिया तुमको रे, भाग जाता है, आदमी मर जाता है कि नहीं, मरता बाबू नहीं, पेट का प्रॉब्लम हो जाता है उसको, दे बोलता है खाना नहीं पचाए भाई अभी तक, भटूरा खा लिए थे। तो भाई यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, रेडिन, जठर ग्रंथि से बाबू क्या निकलते हैं, रेडिन और पेप्सिन, रेडिन और पेप्सिन, रेडिन और बाबू क्या निकलते हैं, पेप्सिन निकलते हैं। अब देखो पेप्सिन क्या होता है ना, पेप्सिन लिखा गया क्या, पेप्सिन, चलो ठीक है, इंग्लिश बाबू ऐसे, इंग्लिश देखो हिंदी लिखने में थोड़ा कठिनाई हो जाता है, पेप्सिन बाबू ऐसे लिखाता है। अब देखो मेरे भाई ये तुम्हारा रेडिन है, क्या है मेरे भाई ये रेडिन, क्या है रेडिन, तो रेडिन जो बाबू होता है ना, रेनिन जो होता है ना बाबू, ये दूध वाले प्रोटीन को, जो दूध के प्रोटीन होते हैं केसिन, ये बाबू रेडिन जो देखो दूध में जो प्रोटीन होते हैं केसिन प्रोटीन पाए जाते हैं, और दूध का उजला कलर पीला कलर भी केसिन के कारण ही होता है। अब देखो बाबू तो रेडिन, ए रेडिन, रेडिन बाबू क्या करता है, दूध वाले प्रोटीन को पकड़ता है, दूध के प्रोटीन को बाबू तोड़ने का काम करता है कौन बाबू, रेडिन, ए दूध वाले प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। जबकि बाबू पेप्सिन क्या करता है, जो बाबू खाना तुम्हारा आया है ना उसमें जो प्रोटीन थे ना उसको आंशिक तोड़ने का काम करता है बाबू, कौन ये तुम्हारा प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, कौन बाबू करता है, कौन करता है बाबू तुम्हारा, पेप्सिन करता है। ये आंशिक रूप से जो बाबू दाल खाए हो उस वाले प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है मेरे भाई, ये पेप्सिन करता है। जब दूध के प्रोटीन को बाबू क्या करता है, अरे दूध का काम ही है बाबू, देखो जो रेडिन है ना, रेडिन जो तुम्हारे रेडिन एंजाइम है, जो तुम्हारे बाबू रेडिन एंजाइम है, ये तुम्हारे बाबू दूध को दही बदलने का काम करते हैं, समझे कि नहीं, ये बच्चों में बहुत अधिक होता है, बूढ़ों में बहुत कम हो जाता है, इसलिए बाबू बूढ़ों को दही खाने की सलाह दी जाती है, दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है। अब समझ में, बच्चे में बाबू देखता है बहुत अधिक मात्रा में होता है, जैसे ही खाता है वो करता है तो दही निकल जाता है कि नहीं बाबू, ये अलग बात है कि पानी नहीं निकलता है उसको खाने के जुगाड़ में, ये देखो ये दही खाने के जुगाड़ में बच्चा दही खाने का कुछ नहीं बताया, खत्म हो गया रेनिन पेप्सिन। इतना बाबू क्या है ये बाबू पेट पे तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा, पेट के तीन भाग है, पहले बाबू क्या था तुम्हारा फंडिक, नहीं सॉरी कार्डियक, कार्डियक बाबू इसका इसलिए नाम है, इसके नीचे ऊपर बाबू क्या होता है हर्ट्स होते हैं, और हर्ट को बायोलॉजी में बाबू क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं, इसे इसका नाम पड़ गया कार्डियक। ये हो गया तुम्हारा फंडिक, ये हो गया तुम्हारा पाइलोरिक, क्या हो गया बाबू पाइलोरिक हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो बाबू खाना खाया जाता है, इस बाबू नीचे वाले पाइलोरिक वाले पार्ट्स में जठर ग्रंथि पाए जाते हैं, और जठर ग्रंथि बाबू तुम्हारे क्या होते हैं, इसे रेडिन और पेप्सिन निकलते हैं, या प्रो पेप्सिन या प्रो रेडिन निकलते हैं। तो बाबू क्या निकलते हैं, प्रो रेडिन प्रो पेप्सिन, इसको बाबू
कोर उत्प्रेरक तरह काम करता है, एससीएल काम करता है, और एससीएल उसको बाबू क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, आप चलते हैं बाबू आगे। अब आगे हम लोग छोटी पार्ट इसको अभी डाल रहे हैं, क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो बोलेगा मजा नहीं आया। बाबू देखो जल्दी से तो और अभी हम डायग्राम अली करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समझने से मतलब है बाबू। ठीक है, ये तुम्हारा डायग्राम हो गया। किसका हो, छोटे डाइजेस्टिव सिस्टम का तुम्हारा क्या हो गया बाबू, ये डायग्राम हो गया। तो ये पेट है जो बाबू अंदर से लाइन गया गया, वो तुम्हारा क्या हुआ, छोटी आंत है। छोटी आंत बाबू लंबाई क्या होता है उसका ना, लगभग वो 5 मीटर के आसपास में उसकी लंबाई होती है। चूंकि बाबू कभी कभी बाबू ऐसा होता है ना, तो हम तुम्हारे क्या है बड़े भाई हैं, हम थोड़ा बड़ा हाइट एक छोटे हैं, लेकिन तुम तू लोग बाबू देखो छोटा भाई है। तो कोई बाबू 174 है, कोई बाबू 180 है, कोई बाबू छोटा भी है अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर बाबू लोग क्या है 170 वाला हो, पर 170 प्लस ही हो यहाँ पे। तो बाबू तो क्या हमसे तू बड़े हो गए, अरे हाइट में बड़े हो उम्र में नहीं। तो देखो बाबू इसका भी यही काम है, ये देखो भाई मोटा है ना, तो इसीलिए बड़ी बात बोलते हैं, और इसका पाइप बहुत छोटा छोटा है ना, इसलिए छोटी याद बोलते हैं। आई बात समझ में, तो देखो इसका काम क्या है। अब छोटी याद के बाबू ये वाले बात, छोटी याद जो बाबू होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। ऊपर वाले भाग को कहते हैं बाबू डेडुनम, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं जेजुनम, और सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इलियम। देखो बाबू जेडुनम जेजुजम इलियम, जेडुनम ड्यूडेनम ड्यूडेनम, हिंदी में ये नाम है इसका जेजुजम। मैंगो भी नहीं पूछता है तो वही ना पूछ लो कि आमे है ये ड्यूडेनम उसी का बाबू होते हैं ना, अंग्रेजी नहीं होते, हिंदी नहीं होते, इसको बाबू ड्यूडेनम हिंदी में लिख देंगे तो बस हो गया है कि नहीं बाबू। अब बोलेगा पुलिस का हिंदी बताओ, तो पुलिस का हिंदी क्या बोलोगे, संरक्षक बोलेगा बाबू। खाटी बिहार बोर्ड से यूपी बोर्ड से पढ़ लो रे। देखो बाबू जेजुनम, देखो बाबू सबसे ऊपर वाले पार्ट को बाबू क्या बोलते हैं ड्यूडेनम, सबसे नीचे वाले भाग को बाबू क्या बोलते हैं जेजुनम, सबसे नीचे वाले भाग को बाबू क्या बोलते हैं इलियम, क्या बोलते हैं बाबू इलियम। छोटी आंत भी बाबू तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं, पहले वाले को बोलते हैं ड्यूडेनम, बीच वाले को बोलते हैं जेजुनम, नीचे वाले को बोलते हैं इलियम। आप देखो बाबू जो तुम्हारे ड्यूडेनम वाले पार्ट होते हैं, जो तुम्हारे ड्यूडेनम वाले पार्ट है, वह बाबू 2 चीज लगा रहता है, इधर से लगा रहता है बाबू लीप आकार के तुम्हारे होते हैं पेनक्रियाज, क्या होते हैं बाबू पेनक्रियाज होते हैं, क्या छोड़ते हैं बाबू पेनक्रियाज, और इधर से बाबू लगा तो तुम्हारा लीवर, क्या होता है बाबू लीवर, क्या लगाता है बाबू लीवर, क्या लगाता है बाबू लीवर लगा रहता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन बाबू तुमसे ये बनता है कि छोटी आंत के किस भाग में लीवर और पेनक्रियाज लगे होते हैं, छोटी आंत के किस भाग में लीवर और पेनक्रियाज लगे होते हैं, तो आप क्या कहोगे बाबू ड्यूडेनम वाले पार्ट्स में है कि नहीं। अदवा पेनक्रियाज का क्या काम है, ए पेनक्रियाज बाबू देखो हमारे शरीर में एक ही जो ग्रंथि है बाबू, पेनक्रियाज तुम्हारा ग्रंथि है, लीवर भी तुम्हारा ग्रंथि है, हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। अदवा इस ग्रंथि का काम है, जो पेनक्रियाज आपका है ना, वो पेनक्रियाज जो आपका है बाबू यहाँ पे, वो पेनक्रियाज आपका बाबू क्या करता है, जान लो ये बात को भी, ये पेनक्रियाज को बाबू अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों कहते हैं, हेक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों बाबू कहते हैं। आई बात समझ में, आप क्यों कहते जानो, तो जो बाह्य ग्रंथि होते हैं, जो बाह्य ग्रंथि होते हैं वो बाबू रस छोड़ते हैं, जूस छोड़ते हैं, क्योंकि अंत ग्रंथि होते हैं बाबू एंजाइम छोड़ते हैं। तो हमारे शरीर बाबू जो ये तुम्हारा है ना पेनक्रियाज है, जूस भी छोड़ता है एंजाइम भी छोड़ता है, बाकी सब बाबू जूसे छोड़ता है, देखो अंत ग्रंथि हो गया ये। तो बाह्य ग्रंथि का मतलब बाबू क्या होता है, एंजाइम को छोड़ना बाबू, हार्मोन को छोड़ना,
समझे कि नहीं, इसको बाबू बाय का एग्जाम्पल हो, बाय ग्रंथि बाबू कहलाते हैं। तो बाबू ये जूस छोड़ता है, अंत ग्रंथि होगा ये बाबू जूस भी छोड़ता है, और तुम्हारा बाबू क्या छोड़ता है, एंजाइम भी छोड़ता है या हार्मोन भी छोड़ता है, इसीलिए बाबू का नाम क्या पड़ गया तुम्हारा, अंत शराबी। हमारे कुछ बाबू पूछता है हमारे शरीर का एकमात्र अंत शराबी और बाय शराबी ग्रंथि कौन सी है, क्या बोलोगे बाबू, पैनक्रियाज। क्या बोलोगे बाबू, पैनक्रियाज। अगर पैनक्रियाज बाबू क्या करता है आप जानो, तो बाबा पैनक्रियाज देख लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा पैनक्रियाज, क्या हो गया तुम्हारा बाबू, पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज में बाबू क्या होता है ना बाबू, ये तुम्हारा पैनक्रियाज है बाबू, इस पैनक्रियाज का खोज बाबू किया था लैंगरहैंस ने बाबू किया था। एनडीए बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, अन्य समझता द्वीप तो बाबू समुद्र में होते हैं, है कि नहीं, चल गया बाबू समुद्र घूमने के लिए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दिमाग लगाए विद्यार्थी सब, प्रशांत महासागर में सोच रहा द्वीप होता है, मार दो इसी में, या तो है नहीं तो कहाँ चले जाते हैं। दोनों प्रकार के बाबू ग्रंथि होते हैं, ठीक है बाबू, ये अंत श्रावी तथा बाह्य श्रावी दोनों ग्रंथि बाबू होते हैं। देखो बाबू ये तुम्हारा क्या छोड़ता है, देखो बाबू ये तुम्हारा जूस भी छोड़ता है, क्या छोड़ता है बाबू, जूस भी छोड़ता है और तुम्हारा एंजाइम भी छोड़ता है, क्या छोड़ता है बाबू, एंजाइम भी छोड़ता है, ठीक है बाबू। देखो बाबू ए बच्चा देख लो, ये तुम्हारा बाबू क्या होता है, देखो चार तरह के हार्मोन एंजाइम छोड़ते हैं बाबू, अल्फा बीटा गामा और वो एफसेल, क्या होता है बाबू, एफसेल, क्या होता है बाबू, एफसेल। ये चार तरह के बाबू हार्मोन छोड़ते हैं, ये बाबू अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया और एफसेल हो गया, ये चार तरह के बाबू एंजाइम छोड़ते हैं। जब एंजाइम छोड़ते हैं ना, देखो बाबू इसका कोई इंपोर्टेंट पढ़ाऊंगा बाबू, फाउंडेशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन बीटा सेल का बहुत काम है। जो बीटा सेल होते हैं ना वो इंसुलिन को नियंत्रित करता है, क्या करता है बाबू, इंसुलिन नामक हार्मोन को बाबू नियंत्रित करता है, जो तुम्हारे शुगर में काम करते हैं, है कि नहीं। इसके बाबू डिसऑर्डर से, इसके बाबू बिगड़ने से ही तुमको क्या हो जाते हैं, शुगर हो जाते हैं। तो देखो बाबू, तो बीटा सेल बाबू कहां से निकलता है, बीटा सेल बाबू क्या निकलता है, इंसुलिन, क्या निकलता है बाबू, इंसुलिन निकलता है, क्या निकलता है बाबू, इंसुलिन। इंसुलिन ही बाबू क्या करता है तुम्हारे, इंसुलिन बाबू तुम्हारा क्या करता है, अरे बोलो ना क्या करता है, हाँ मधुमेह को, डायबिटीज को, शुगर बीमारी को कंट्रोल करने का काम करता है। ये बाबू बिगड़ गया तो तुम्हारा बाबू काम गड़बड़ हो गया, चिड़िया बीमारी हो जाएगा, चिड़िया बीमारी इसको बोलते हैं भोजपुरी में, हाँ मधुमेह रोग भी बाबू हिंदी में बोलते हैं, डायबिटीज इंग्लिश में बोलते हैं, ये अलग बात है बाबू। तो बीटा सेल के गड़बड़ी से बाबू क्या होता है तुम्हारा, मधुमेह रोग होता है। तो बीटा सेल बाबू कहाँ है तुम्हारा, किस को निकालता है, प्रक्रिया निकालता है, ठीक है बाबू, समझवाया बोलो, समझवाया बोलो। तो इसे तुम्हारा बाबू इतना ही खुश, देखो अब बाबू जूस छोड़ता है, जूस बाबू देखो, जूस नहीं बाबू सॉरी, एक बाबू एंजाइम छोड़ता है पैनक्रियाज, इसका नाम है बाबू लैट, क्या नाम है बाबू, तो बाबू पैनक्रियाज से ही जो भोजन में तुम्हारे एंजाइम निकलते हैं वही भोजन को बाबू अंतिम रूप से पाचन करता है, नाम है उसका बाबू लैट, क्या नाम है बाबू लैट। एल से बाबू होता है लाइपेज, क्या होता है बाबू लाइपेज, एमाइलेज, एमआई अंग्रेजी लिखते बाबू अंग्रेजी, एमाइलेज क्या होता है बाबू, एमाइलेज। अट्टी से बाबू क्या होता है, ट्रिप्सिन, क्या होता है बाबू, ट्रिप्सिन। तो हिंदी में बाबू यही नाम है, अंग्रेजी में यही नाम है, सुने कि नहीं। तो बाबू लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लाइट से बाबू क्या हो गया, लाइपेज, एमाइलेज और बाबू ट्रिप्सिन हो गया। ये तीन तरह के बाबू यहाँ से क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, जिसको बोलते हैं बाबू लैट, क्या निकलते हैं बाबू लैट। अरे बाबू ये लाइपेज जो तुम्हारा बाबू होते हैं ना, लाइपेज तुम्हारा होना है ना, वो वसा को बाबू, वसा को, फैट को अंतिम रूप से पाचन करता है, क्या करता है बाबू, अंतिम रूप से पाचन बाबू कौन करता है, तुम्हारा लैट करता है। तुम्हारा क्वेश्चन बाबू पूछेगा इसे, वसा का अंतिम रूप से पाचन कौन करता है, तो क्या बोलेगा बाबू, लाइपेज बोलोगे, जबकि आंशिक रूप से बोलेगा तो लीवर बोलेगे, आंशिक रूप से बोलेगा तो लीवर हो जाएगा, और पूर्ण रूप से बोलेगा तो बाबू लाइपेज बोलेंगे, जबकि एमाइलेज भी तुम्हारा बाबू यहाँ पे आ गया। ये तीनों चीजें तुम्हारे है ना बाबू, सारे को पूर्ण रूप से पाचन कर देते हैं। तो बाबू एमाइलेज हो गया तुम्हारा, ये बाबू तुम कार्बोहाइड्रेट के पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन बाबू किसको करता है, प्रोटीन को करता है, किसको करता है बाबू, प्रोटीन को करता है। ट्रिप्सिन बाबू किसको करता है, प्रोटीन को, लाइपेज बाबू वसा को, एमाइलेज बाबू कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन बाबू प्रोटीन को पाचन करता है।
आया बात समझ में? ये पूर्ण रूप से पाचन करता है, आपसी रूप से बाबू नहीं पाचन यहाँ पे होता है। आया बात समझे बाबू? इसे बाबू क्वेश्चन खूब बनते हैं, ध्यान रखना। लैट लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन माने प्रोटीन, ए माने एमाइलेज माने वसा, लाइपेज माने बाबू वसा, लाइपेज माने वसा, और एमाइलेज माने कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। इतना बाबू चीज तुमको याद रखना है, समझे कि नहीं? पेनक्रियाज का काम बहुत बड़ा इतना हो गया। ये आकार में बाबू पति नुमा टाइप का होता है, पता की तरह नहीं लगता देखने में। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये प्लास्टिक वाला बोर्ड है। देखो बाबू इसका बाबू क्या है, लीवर क्या बाबू तुम्हारा? लीवर है, खाए हो? अरे इंसान का नहीं, मुर्गा खसी बकरी खेबे किया होगा, ये राक्षस। तो लीवर का बाबू क्या करते हैं, जिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जिगर। ए चुप, कलेजियो बोलते हैं उसको, कलेजा। क्या बाबू बोलते हैं बाबू? कलेजा। ये बाबू क्या? जिगर। और बाबू बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं बाबू? यकृत। सब बाबू उसी का नाम है। आप देखो, ए यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा। हाँ अभी नहीं बोले का हो करेजा, और नहीं कहते ना ये करेजा है, ये कलेजा है। मार खाएगा तो करेजा सब है। हिंदी नहीं खाया, देखो जीवन यकृत तुम्हारा सब कुछ हो गया बाबू। आप देखो बाबू ने जो हमारे लीवर सेल होते हैं ना, वो लीवर सेल को बोलते हैं बाबू हिपैटिक सेल। क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल। यानी बाबू जहाँ कहीं जाओगे लीवर का इलाज करवाने के लिए, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि यकृत विभाग या लीवर डिपार्टमेंट लिखा जाता है। हिपैटोलॉजी बोला जाता है, ये हिपैटोलिस्टिक बोला जाता है बाबू, समझे कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया बाबू? ये यकृत का स्पेशलिस्ट है। तो बाबू तुम्हारा जो लीवर होते हैं इसको क्या बोलते हैं बाबू? हिपैटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हिपैटिक सेल। क्या बोलते हैं बाबू? हिपैटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हिपैटिक सेल। तो बाबू हिपैटिक सेल कहाँ पाए जाते हैं? लीवर में। और लीवर बाबू क्या करता है ना, लीवर बाबू तुम्हारे जितने भी नशीले पदार्थ है, जैसे दारू पीते हो, दारू नहीं पीते हो बात बोल रहे हैं, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, तो फेफड़ा हो जाता है बाबू, ठीक है? यानी जितने बाबू पीते हो और बाबू तुम्हारा भोजन के फूड फाइबर बाबू नीचे जाते हो, ये तुम्हारा बाबू सब कुछ कहा जाता है लीवर बाबू अपने पास बुला लेता है। लीवर बाबू बहुत दयालु लोग हैं, समझे कि नहीं? तुम्हारे दयालु अंग है तुम्हारे शरीर का, सब जितने भी हानिकारक पदार्थ बाबू खाते हो, चाहे तुम्हारा बाबू क्या हो गया, समोसा खाते हो, लिट्टी खाते हो, मोमोज खाते हो, आज मोमोज बहुत चल रहा है बाबू आजकल, जितना ही बाबू स्प्रिंग रोल मतलब एग रोल जितना भी खाते हो, सब बाबू कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, पर एक ही तेल में बाबू फ्राई किए जाते हैं। दाल भात खो ना। हाँ तो बाबू क्या, एक ही तेल में बाबू क्या होते हैं? फ्राई किए जाते हैं। जिस खाने से बाबू, देखो ठेला वाला नहीं खाओ, खाना है तो ऑनलाइन जोमेटो से मंगा लो, इसमें बाबू फ्राई नहीं किए जाते हैं बर्गर खाने के, बहुत टेस्टी होता है। पटना में बहुत लोग खाता है, समझे कि नहीं? इसलिए टाइफाइड लेके घरे आता है, मच्छरी मिलेगा सस्ता, चुप, बड़ा बड़ा खाएगा सस्ता नहीं मिलेगा। हिपैटिक सेल, बड़ा बड़ा खाएगा सस्ता नहीं मिलेगा। देखो हिपैटिक सेल, अरे हिपैटिक सेल बाबू क्या करता है ना, नशीले पदार्थों को बाबू पकड़ने का काम करता है। तो बाबू देखो, इसीलिए जैसे कोई दारू रू पीता है ना बाबू, मर जाता है एक्सीडेंट उसे में, उसका बाबू किससे मरा है, उसका बाबू क्या होता है? चीड़ फाड़ करते हैं उसको, क्या बोला जाता है? बाबू जो गाड़ी से एक्सीडेंट करता है, सबसे पहले लीवर का चेक होता है, कहीं दारू तो नहीं पिया था? नहीं, दारू नहीं पिया था तो बोलता नहीं बाबू दारू से तो नहीं मरा था, नशा नहीं किया था, उसका कोई हत्या किया है, तो बाबू पकड़ में आता है। दारू पिया रहता था कोई नशा नहीं था। सब लीवर में होता है। तो लीवर बाबू एक होता है तुम्हारा कफर सेल। क्या होता है बाबू? कफर सेल।
लीवर बाबू एक और सेल पाया जाता है, इसका नाम है कफर सेल। क्या होता है बाबू? ये कफर सेल होते हैं। ये बाबू रसीले पदार्थ को जो 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 रसीले पदार्थ को जो बाबू क्या करता है, ये पाचन भक्षण करता है। समझे बाबू? ए तुम्हारे लीवर में बाबू क्या है, लीवर में बाबू कफर सेल पाए जाते हैं, जो तुम्हारे बाबू रसीले पदार्थ को भक्षण करता है, कौन तुम्हारा कफर सेल करता है। देखो बाबू ये वसा का बाबू क्या करता है, पाचन करता है। वसा का क्या करता है बाबू? पाचन करता है। ठीक है बाबू, वसा का पाचन करता है आंशिक रूप से बाबू, ठीक है ना। फिर देखो वसा का पाचन करता है, फिर तुम्हारा बाबू ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है बाबू। ग्लूकोज को बाबू किसे बोलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन में बाबू बदलता है। और इसमें बाबू जो होता है ना, तो बाबू ये वसा का जो पाचन करता है, ये बाबू एपिडोज टिश्यू बाबू होते हैं। इसमें क्या है बाबू? एपिडोज टिश्यू होते हैं। और इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन बाबू पूछता है, चाहे किसी भी परीक्षा बाबू पूछ सकता है, ये लीवर है ना, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण का काम करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है। इसको बोलते हैं बाबू इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं बाबू? इमल्सिफिकेशन। तो बोले बाबू पायसीकरण का काम कौन करता है, पायसीकरण का, वसा का पायसीकरण कहाँ होता है, लीवर में। वसा का पायसीकरण बाबू कहाँ होता है, लीवर में। अरे बाबू लीवर तुम्हारा क्या होता है बाबू, जूस छोड़ता है, जूस छोड़ता है बाबू, जूस। इसका नाम बाबू क्या है, पीतरस। क्या नाम है बाबू? पीतरस। तो इसका 150 कार्य है। तो बाबू हमको हिपैटिक लॉजिक बाबू तो नहीं पढ़ा रहे तुमको, कि देखो तो लीवर का डॉक्टर तुमको बनाएंगे, तो बाबू है नहीं। जो इम्पोर्टेंट्स है, जो परीक्षाएं पूछे जाते हैं, उसको बाबू कवर कर रहे हैं बस। इतना भी पुलिस तक बाबू इतना ही करना है। अब देखो जूस इसमें बाबू क्या निकलता है, पीतरस। क्या निकलता है बाबू? पीतरस। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं बाबू बाइल जूस। क्या बोलते हैं बाबू? बाइल जूस। देखो इसमें बाबू सोडियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसमें भी बताना है मुझको। अब देखो बाइल जूस, इस बाइल जूस बाबू क्या होते हैं ना, दो तरह के बाबू इसमें से तुमको पिगमेंट निकलते हैं। क्या निकलते हैं बाबू? पिगमेंट। क्या निकलते हैं बाबू? पिगमेंट। इस पिगमेंट को बाबू कहते हैं, पहला वाला पिगमेंट तुम्हारा क्या होता है, बिलबुरिन। बिल हिंदी बाबू लिखते हैं बिलबुरिन। बिलबुरिन क्या होता है बाबू? बिलबुरिन होता है। एक होता है बिलबर्डिन। क्या होता है बाबू? बिलबर्डिन होता है। क्या होता है बाबू? बिलबर्डिन। तो बिलबुरिन के कारण ही, बिलबुरिन के कारण ही तुम्हारा टट्टी का कलर पीला होता है, और जो प्लाज्मा होते हैं ना वो पीले कलर के होते हैं, बिलबुरिन के कारण ही। फिर बिलबर्डिन हो गया, तो बिलबर्डिन होता है ना पीतरस का कलर हरा होता है। तो बोले पीतरस का कलर हरा किस पिगमेंट के कारण होता है, तो बिलबर्डिन के कारण। हाँ, प्लाज्मा का पीला क्यों होते हैं, बिलबुरिन के कारण। जब आप बिलबुरिन की मात्रा हमारे खून में ज्यादा हो जाते हैं, तो बाबू जॉन्डिस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जॉन्डिस। तो बिलबुरिन की मात्रा देह में बढ़ जाएंगी तो तुमको जॉन्डिस हो जाएगा, जिसको पीलिया कहते हैं। पीलिया, ठीक है ना बाबू? अरे बाबू तो ये बाबू बिलबुरिन कौन छोड़ता है, तुम्हारा लीवर। क्या छोड़ता है? लीवर। समझे कि नहीं? इस लीवर में बाबू होता है गॉल ब्लैडर लगाता है। क्या होता है बाबू? गॉल ब्लैडर। क्या होते हैं बाबू? गॉल ब्लैडर लगे होते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? गॉल ब्लैडर। तो बाबू ये गॉल ब्लैडर जब तुम्हारे होते हैं ना, जब बाबू बाइल जूस जरा निकलने लगते हैं, जब पीत रस बाबू जरा निकलने लगते हैं, तो भोजन बाबू यहाँ पे क्या जाके स्टोर हो जाते हैं। भोजन बाबू क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। बाबू तो बाबू यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब आप बड़ी पहुंच गया, बड़ी कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा